दोस्तों लेनोवो ने अपने के सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जोड़ दिया है जो है लेनोवो के 8 प्लस। यहाँ पे करने वाले हैं आज लेनोवो के 8 की अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं और देंगे आपको छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को याद से क्लिक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे लिख जाता है लेनोवो के 8 प्लस, यहाँ पे 13+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है जो कि डेप्थ सेंसिंग को सपोर्ट करता है। 2.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो अगर बताएं आपको मीडियाटेक का P25 लगा हुआ है, और यहाँ पे 13.2 सेंटीमीटर का आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की साइड में मिल जाता है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद सेल्फी फ्लैश है इसमें आपको मिल जाएगा, और 3 GB के रैम, 32 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज, यहाँ पे डेडिकेटेड म्यूजिक की आपको मिल जाएगी विद डॉल्बी एटमॉस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2.5D स्क्रैच रेजिस्टेंट मतलब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और प्रीमियम मेटल बिल्ड डिजाइन। तो फटाफट कर लेते हैं अनबॉक्स इस फोन को और दिखाते हैं आपको बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको मिल जाता है कुछ इस तरह के कंटेंट। सबसे पहले आपको मिलता है फ़ोन, तो फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिम इजेक्टर पिन जो कि यहाँ पे डिज़ाइन इस बार थोड़ी अलग की गई है, और उसके बाद आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिलता होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक लिमिटेड वारंटी कार्ड, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की तो यहाँ पे आपको मिलता है एक चार्जर जिसकी अगर रेटिंग की बात करें तो ये है 5.2 वोल्ट 2 एम्पियर यानी 10 वाट का चार्जर है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है नॉर्मल USB 2 माइक्रो USB वाली केबल। तो इसको सबको रख देते हैं साइड में और देखते हैं फ़ोन कैसा है। और यहाँ पे अगर बात करें फ़ोन के हाईलाइट की तो यहाँ पे कुछ वही चीज़ आपको मिलती है जो बॉक्स पे प्रिंटेड था, और इसको कर देते हैं रिमूव यहाँ पे, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं आपको ये इस तरह से कुछ फ़ोन मिलता है। तो अगर फोन की फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ आपको मिलता है 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से। ये है 2.5D कर्व ग्लास, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 3 कैपेसिटिव टच बटन्स मिल जाते हैं जो कि बैकलिट हैं या नहीं इसको अभी चेक करेंगे बाद में। और यहाँ पे मिलता है आपको LED फ्लैश जो कि सेल्फी में काफ़ी आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है ईयर पीस और यहाँ पे कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और यहाँ बैक पोर्शन की बात करें सबसे ऊपर आपको मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा जो कि डेप्थ सेंसिंग में मदद करेगा। यहाँ पे आपको डुअल टोन LED फ्लैश, नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे आपको मिलता है लेनोवो की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर बात करें टॉप पोर्शन की तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 3.5mm का जैक, इस साइड में आपको मिलता है एक वॉल्यूम रॉकर और एक पावर बटन की, और बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड की मिलती है और साथ में सिम ट्रे। तो सिम ट्रे को ओपन कर लेते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्लॉट हैं सिम ट्रे में, तो आप 2 सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। अगर बात करें बॉटम पोर्शन की तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 स्पीकर ग्रिल्स और एक माइक्रो USB कनेक्टर डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए। तो ये तो रहा फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। तो यहाँ पे हो गया है फ़ोन टर्न ऑन और इसको कर लेते हैं सेटअप। तो फ़ोन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर बात करें कैपेसिटिव टच बटन्स की तो ये बैकलिट नहीं है। अगर यहाँ पे ले चलें आपको सेटिंग्स में तो देखते हैं कौन सा एंड्रॉयड है, तो यहाँ पे 7.1.1 मिल जाता है आपको, और काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे एंड्रॉयड ओरियो का भी अपडेट आपको मिल जाएगा, ऐसा कंपनी ने बोला हुआ है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट काफ़ी एक्यूरेट है, हल्का सा यहाँ पे स्लो आपको दिखेगा। हालांकि अगर बात करें इसकी कैमरे की तो यहाँ पे कैमरे से मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं और ये आप देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये हल्का सा ब्लर्ड बैकग्राउंड में लिया गया है ये डेप्थ इफेक्ट के साथ में, और काफ़ी अच्छी फोटो आई है। अगर यहाँ पे बात करें ये नॉर्मल कंडीशन में ली गई है, ये फोटो जो ली गई है वो फ्रंट कैमरे से ली गई है 8 मेगापिक्सल के, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ बात करें ये लो लाइट की फोटो है तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक आई है, तो कैमरे के हिसाब से फ़ोन ठीक है।
तो अगर कीमत की बात करें तो ये फ़ोन मिलता है Flipkart.com के ऊपर 11,000 रुपये का, लेकिन इस समय सेल चल रही है तो मुझे मिला है 8,000 रुपये का। तो आप भी देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, यही नहीं आपको बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे बिग बिलियन डे सेल में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।